ओके जी, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर एजाज वारिस और आज हमने एल्बम का जो गाना है फाखर का, एटम बॉम्ब लॉन्च कर दिया है। ए प्लस इज ऑनर्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड वीडियो फाखर एटम बॉम्ब। और हमने बातें की फाखर से, जारा से और वहाब शाह से। अब हम बातें करेंगे आप लोगों से, आपसे जानते हैं कि आपका फीडबैक क्या है कि हाउ वॉज द वीडियो, कैसी वीडियो थी। मेरी चाय कहाँ यार, मुझे चाय चाहिए ना, खाबा ना हो तो जैजी को मज़ा नहीं आता यार, खाबा पहले ऐसे रख फिर ऐसे कुछ और गल करांगे। जनाब जनाब जनाब, मौसम की अंगड़ाइयाँ बहुत बद, वो कहते हैं ना गुमासी होती हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आइए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं खजीना बात कर रही हूँ कराची से। खजीना, हाउ इज कराची, मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम इतना ठंडा नहीं है, बस गर्मी है। पता है यहाँ बारिश हो रही है खजीना, पता है? हाँ यार, वो तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, काफी सर्दी है। मैंने कहा आप लोग अच्छे हैं कि हर मौसम एंजॉय करते हैं, लेकिन कराची वाले जो है वो उनका तो एक ही मौसम होता है बस, गर्मी 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 गर्मी। अच्छा खजीना जी, आपने देखी वीडियो एटम बॉम्ब जी, कैसी लगी आपको? नहीं नहीं, मैं असल में वीडियो वगैरह नहीं देखती। Oh my God, sounds... प्रोग्राम होते हैं जो के ना लाइव शो होते हैं या इस तरह के कोई, या तो इस्लामी प्रोग्राम या फिर कुकिंग प्रोग्राम, तो वो मैं देखती हूँ। ओके, तो बताएं फिर who is the culprit, सास के बहू? हाँ नहीं जी, मेरे मैं तो समझती हूँ क्योंकि मेरी सास अम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मैंने वक्त उनके साथ गुजारा या जो उन्होंने मेरे साथ गुजारा वो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और समझे, यूं समझ रहे कि एक हम में एक माँ बेटी जैसा रिश्ता था, सास बहू वाला रिश्ता नहीं था। अच्छी बात, बहुत अच्छी सास थी और मैं तो नहीं कह सकती कि मैं इतनी अच्छी, अगर वो होती तो वो आपको जरूर बताती कि मैं कितनी अच्छी बहू थी। बिल्कुल ठीक है, सुपर्ब, अच्छी थॉट है आपकी, पता है, नाइस थॉट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपनी दुआओं में, उन्होंने जो आखिरी टाइम था ना तो उन्होंने मुझे दुआएं दी ना, तो मैं समझती हूँ, मैं हालांकि इतनी बीमार रहती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी ये मैं समझती हूँ उनकी दुआओं का असर है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा रखा हुआ है। नहीं नहीं, पता है बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी लोग होते हैं। मैं बहुत खुश नसीब, बहुत कि मैं उनकी बेटी जैसी थी। खजीना बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही प्यारी बातें की, पता है मैं कहता हूँ बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनकी किस्मत में अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छी बातें होती हैं। और मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा कुछ क्लोज शॉट बन रहा था। एक कॉल लेंगे हम और। अस्सलाम वालेकुम। जब कैदी बोलता है तो पूरी दुनिया देखती है। आला, क्या नाम है आपका? हिरा। हिरा कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम हिरा, हाउ इज लाइफ? फाइन शाइन, आप सुनाएं। अब मुझे बताओ हाउ इज एटम बॉम्ब? आला ना, ज़ारा कितनी हॉट लग रही है उसमें, नहीं? बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है, बहुत आला सॉन्ग है। वेल डन। तो बताओ मुझे हिरा के कल्प्रिट कौन है, सास के बहू? दोनों ही होती है। Really? ज्यादा सास होती है। एक बता दो प्लीज, एक सास होती है क्योंकि जो है ना सास समझती है कि जो बहू आई होती है ना वो बहू को ही उसको दर्जा देती है, वो उसको कभी भी अपनी बेटी का दर्जा नहीं देती। पता है मेरा ख्याल है बिकॉज़ आपने आइंदा की बहू बनना है इसलिए आप कह रही हैं कि सास बुरी होती है ना, कितनी बुरी बात है वैसे तुमने की है। नहीं मैं वैसे सही बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ जो मैंने इधर अब तक देखा है अपनी लाइफ। अच्छा, मैं वो रियलिटी बता रही हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। सास जो है ना बस समझती है की ये पराई बेटी है, इस पर जो है ना जितना जुल्म कर सकते हैं तो डाल दो करो। और कोई विश करेंगे आज आप किसी को? लगता है हमारी बेटियां हमें इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना। हाँ हाँ हाँ, अहिरा जी जी, कोई विश करना है किसी को? नहीं किसी को नहीं विश करना। और एनी कमेंट, मेरी बात सुनो उनको, कोई बात कहनी है फाखर के बारे में आपने? बस उनको बेस्ट ऑफ लक कहना और उनको कहना उनका ये जो सॉन्ग है ना जबरदस्त है, मैंने अभी सुना और जो है ना मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं अभी डाउनलोड कर लेती। आला ये चीज, थैंक यू हिरा, ये चीज होती है कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी वीडियो से प्यार करते हैं। और दिस इज एक्चुअली फाखर महमूद वीडियो लॉन्च शो हमने आज कर दिया है, बिकॉज देखें हम बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं कि आज 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 फाखर का वीडियो लॉन्च हुआ है और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सो आई थिंक ये फुल मार्क्स टू फाखर एंड सादिया जी एंड ज़ारा एंड ऑल द टीम, जिन्होंने इतनी एफर्ट की है और इसको हिट करवाया। आज मैंने सवाल किया आपसे कि हु इज़ द मोस्ट कल्प्रिट इन द लाइफ, सास या बहू? और झगड़े करते रहते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातों में झगड़े करते हैं बेचारे, जो खावन को और बेटे को आप नाराज़ करती रहती हैं अक्सर, तो इसमें क्या क्या होगा यार, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक पीपल। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे सम गुड वेदर सॉन्ग्स। और अब एक गाना जाना चाह रहा हूँ मैं, समय अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इजाज़त दें, कोई गाना अगर चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज मेरा मूड कर रहा है कुछ डांसी करने का। तो लेट्स सेलिब्रेट डांस, क्या ख्याल है? नहीं
हम कॉल ले रहे हैं, चलो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? पहचाने? आप नाम बताइए, आवाज तो बड़ी प्यारी है वैसे आपकी। सर सुमैया। सुमैया, रेगुलर कॉलर बन गई हो आप तो? नहीं जी। तो बताइए सुमैया, फिर हाउ वाज एटम बॉम्ब? सर अच्छा था। अच्छा था। एंड हु वाज द एटम बॉम्ब? ज़ारा के बाकी लोग? आई थिंक डॉक्टर इजाज़ भाई। ओह माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग। अरे मुझे बताओ कि सास या बहू किसके साथ हो? अभी तक तो मुझे वैसे कुछ नहीं पता, लेकिन आई थिंक सास। सास, ओके, रियली? क्यों? सर ये नहीं पता। अच्छा आप बताएं, आप किसके साथ हैं? देखिए मैं मेरे ख्याल से दोनों ही इक्वल होती हैं। आई विल टेल द एंड एक्चुअली, ठीक है ना? सही है, सही। अच्छा एनी कमेंट सुमैया अबाउट फाखिर, कैसा गाना गाते हैं, कैसी बातें हैं? यू नो फाखिर अच्छा, अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके चलो डन है। और कुछ कहना है? जाऊं फिर? नहीं बस ठीक है। थैंक यू सो मच सुमैया। सुमैया हमारे साथ थी और हम आज भी लेके आए आपके लिए एक कप चाय और फाखर की वीडियो को हमने लॉन्च कर दिया है। हम आपसे बहुत सी बातें पूछना चाह रहे हैं कि सांस होती है। अच्छा हाँ, कल मैं एक बात नोट कर रहा था कि हमारे जो ड्रामे हैं उनमें इतना, पता है एक बात बताऊँ आपको, जो आज का मुआशरा चल रहा है ना हमारा, उसमें बहुत बातें जोर दी जाती हैं कि हम लोग कैसा ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम जब ड्रामा में दिखाएंगे कि सास ऐसी है, बहू ऐसी है, झगड़े होते हैं, तो मज़ा कैसे आएगा आपको, सोचें आप। तो आई थिंक कि बी पॉजिटिव इन लाइफ, लाइफ में रिश्तों को अहमियत दें। ये जो ड्रामे चलते हैं ये आपकी इस्लाह के लिए होते हैं, आपकी भलाई के लिए होते हैं। सो इन ड्रामों को देखें लेकिन सबक सीखें। आप मानते हैं, आप मानेंगे नहीं कि आई हैव बीन अ क्रॉनिक बफ ऑफ दीज टीवी सीरियल्स। मैं हर ड्रामा शौक से देखता हूँ और मेरा ख्याल से कि हर मेल को ये ड्रामे बहुत शौक से देखने चाहिए, बिकॉज हमें आइडिया होता है कि औरत फिर क्या सोचती है, चाहे वो औरत बहन है, बीवी है, बेटी है, एज इन बहू है, तो हमें मालूम होता है कि हमारी बीवी क्या सोच रही होगी, एज इन हमारी माँ क्या सोच रही होगी। सो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, कहानी घर घर की, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं आप? मैं पाकिस्तान से सलमा अमीन बोल रही हूँ। सलमा जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, पूरे हफ्ते मैंने इंतजार किया और आज 5 बजे से बैठी हूँ कॉल मिलाने के लिए कि आपसे बात हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और बहुत अच्छा आप होस्टिंग कर रहे हैं। जबरदस्त सलमा जी, जो आपका आज का है ना क्वेश्चन, सास बहू बताइए। हाँ जी, मैं ये बात सबसे कहना चाहूंगी, मैं बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और कल को मैंने सास भी बनना है, ठीक है? अगर आज मैं बहू अच्छी साबित हुई तो कल को अच्छी सास भी साबित होंगी, क्योंकि ये तो सारा अपने आप पे डिपेंड करता है। और देखें जो हमारी सास है वो हमारी माँ है, ठीक है? उन्होंने हमें इतना अच्छा गिफ्ट हमारे हस्बैंड की सूरत में दिया है, तो अगर हम की खिदमत नहीं करेंगे तो अपनी आज मैं नहीं करूंगी, अभी साथ मेरी माँ की भी उनकी बहू खिदमत नहीं करेगी, क्योंकि ये तो हमारे पास नमूना है। अगर आज मैं करूंगी अपनी सास खिदमत, कल को मेरी जो बहू होगी मेरी खिदमत करेगी, ये तो अदले का बदला है। अल्लाह अल्लाह ताला मुझे बेटा नहीं अल्लाह ताला ने दिया, ठीक है? लेकिन मैं अच्छी बहू जरूर हूँ, मैं अपनी सास की बहुत सारी खिदमत करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं कहती हूँ मुझे उनकी सिर्फ दुआओं की जरूरत है। अब एक बार माँ है, माँ भी अपनी बच्चियों को डांट लेती है, अगर सांड डांट लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? अपना गर्व होना चाहिए। सलमा जी एक बात कहूँ मैं आपसे? जी आप बहुत अच्छा बोलते हो। क्या आप बहुत अच्छा बोलती हैं, वेल डन। हाँ मैं टीचर हूँ ना इसलिए अच्छा बोलती हूँ। ये चीज जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आपने एक जाने से पहले काम करना है। हाँ जी आप बोलिए ऊंची आवाज में, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान देखता है। जैजी बोल रहे हैं पूरा पाकिस्तान देखता है। आला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये चीज बहुत जरूरी है कि देखा आपने, सास बनने वाली सास भी आ रही है, बनने वाली बहुएं भी आ रही हैं, टू बी बहूज टू बी सासेज, और यही हम चाह रहे हैं कि आप सब आएं और आखिर में देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे आई थिंक कि ये ताली दो हाथ से बजती है, ऐसे नहीं ऐसे बजती है, जिस तरह रोटी बनती है ना वो बेलने में बनाती हूँ आप लोग शाम को बैठ के, वैसे ही सब कुछ होता है। रोटी जिस तरह बनाती है ना उस तरह ही रिश्ते भी बनाया करें, खुलूस से बनाया करें। एक कॉल लेते हैं इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। नाम? मेरा नाम आसमा। आसमा आप कहाँ से बात कर रही हो? मैं
मैं लाहौर से बात कर रही। ग्रेट आसमा, मुझे बताएं कि हाउ वाज द वीडियो फाखिर एटम बॉम्ब? हेलो, गाना एटम बॉम्ब लगता आपको नीनो आ रही है, मुझे लगता कहीं ना कहीं पर। आई थिंक आसमा जब वो सो रही हैं, हमें मलिक शम्स साहब इस वक्त देख रहे हैं। मलिक शम्स साहब बहुत शुक्रिया। हमें उसामा तारिक देख रहे हैं। वाह उसामा कह रहे हैं आपकी जैकेट बहुत अच्छी है। थैंक यू उसामा, आपकी हुस्न नज़र में हम तो आम से बंदे हैं यार। और हमें कौन कौन देख रहा है इस वक्त? रजिया हैं कराची से, शानज़े कबीर कह रही है लाइट नहीं आ रही है, तो बत्ती तो फिर जान दी है तो जान दे सादा की है। वैसे बताऊँ बत्ती ने वाकई बहुत तंग किया हुआ है। कल मैं घर पे सारा दिन था और यकीन माने आप कि घर में ऑलमोस्ट 12 घंटे लाइट नहीं थी और 10 घंटे लाइट थी। तो आई वॉज लाइक कि क्या है यार, हम किस मुल्क में रह रहे हैं। बस दुआ करते रहा करें कि हमारा मुल्क जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो और आगे जाए। हम जाएंगे टूवर्ड्स द जैज़ी ब्रेक। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान देखता है। टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हाँ, जैज़ी नाम है तीन चीज़ों का, जानते हो नाम क्या है? Entertainment, entertainment, entertainment. Take a break.